Hello everyone, today I, Ankita Vermani, Faculty of Management Department, is here to discuss an important topic of HR, that is succession planning. तो सबसे पहले हम बात करते हैं succession planning क्या है. Succession planning is the process of identifying and tracking high potential employees who will be able to fill top management positions when they become vacant. Succession planning वो process है जिसमें हम identify करते हैं, track करते हैं ऐसे हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ताकि अगर आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, अगर हमारी कोई भी की पोजीशंस वेकेंट होती हैं तो वहाँ पर हम उनको रिक्रूट कर पाएँ, उनको वो प्लेस दे पाएँ और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव कर पाएँ और ऑर्गेनाइजेशन को आगे भी बढ़ा पाएँ. तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑन गोइंग प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है. इसके बाद हम बात करते हैं रीजंस फॉर सक्सेशन प्लानिंग. एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेशन प्लानिंग क्यों करनी है, इसके वेरियस रीजंस हैं. सबसे पहला रीज़न है to increase the pool of talented employees to fill the key positions. जो भी हमारी key positions हैं उस पर better employees को recruitment देना. To add value to the organization's strategic business plan and to contribute ongoing business strategies. Time to time, day to day हमारी organization में, हमारे business में strategic कुछ business plans बनते रहते हैं, तो उनमें better contribution कराना अच्छे employees का, ताकि वो अपने कुछ views, कुछ अपने ideas contribute कर पाएँ. और third is to ensure individual receive appropriate development opportunities and are successful in their career goals. हर एक organization में employees की ये मन में feeling होती है कि उनके development के बारे में सोचा जाए, उनके career के बारे में सोचा जाए, उनके career growth के बारे में सोचा जाए, तो वहाँ पर हम उनको इसके through ही opportunities भी अच्छे employees को provide करा सकते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं मॉडल ऑफ सक्सेशन प्लानिंग की. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेशन प्लानिंग कैसे होती है, तो उसमें स्टेप वन की अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई की पोजीशन. सबसे पहले हमें सक्सेशन प्लानिंग में उन की पोजीशंस को, एक ऑर्गेनाइजेशन में उन की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है जो कि मिशन क्रिटिकल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जो कि अच्छे एम्प्लॉयज़ उस पर जाकर ऑर्गेनाइजेशन को एक आगे ग्रोथ तक भी लेकर जाएंगे, तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना. स्टेप टू, बिल्ड जॉब प्रोफाइल्स फॉर ईच की पोजिशन. इट मीन्स डिटरमाइन द की सक्सेस फैक्टर्स ऑफ द जॉब एंड हाउ प्रोफिशिएंट द जॉब होल्डर वुड नीड टू बी. दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू सेवरल वेज, इंक्लूडिंग परफॉर्मिंग जॉब अप्लाइज और गैदरिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस. द इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी गैदर्ड इंक्लूड्स द नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट्स दैट द करंट एम्प्लॉयज इन द पोजिशन पोजेस दैट अलाउ फॉर द कम्पिटेंट एंड एफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन. तो इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हर एक की पोजिशन जो भी हमने फाइंड आउट करी हैं उनकी जॉब प्रोफाइल बनाना, कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके पास वो कैलिबर है, उनकी नॉलेज, स्किल, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में स्टडी करना और उनको फिर उनकी जॉब असाइन करना. थर्ड स्टेप इज़ कम्पिटेंसी गैप एनालिसिस. Using the job profile of competencies, determine the tool required to gather data on current employee competencies of the key position. Analyze the difference between current employee competencies and future needs. अब अगर हमने job profile maintain कर लिया है, हमने उनकी knowledge, skill के बारे में study कर लिया है, तो हमें ये देखना है कि at present उनके अंदर क्या skills हैं और future में हम उनसे क्या expect करते हैं. Then fourth step is development opportunities. Assess the abilities and career interest of employees. Candidates should demonstrate high potential or ability that will enable them to achieve success at a higher level within the organization. अब उनको स्टडी करने के बाद हमें उनके लिए डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, कि जो भी हम उनको पोजीशन देंगे उसमें वो और अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे और बेटर बना सकते हैं. द नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स. डिज़ाइन अ प्लान फॉर ईच कैंडिडेट विच इंक्लूड्स डेवलपमेंट प्लान्स शुड बी अवेलेबल फॉर ईच कैंडिडेट एंड देन इनकॉर्पोरेटेड इन टू देयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्लान्स. प्लान्स में इंक्लूड आइडेंटिफाइंग करियर पाथ्स फॉर हाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड अदर हु हैव इंटरेस्ट एंड एबिलिटी टू मूव अपवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब हर एक पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसकी नॉलेज, स्किल की एबिलिटीज सेम नहीं है, बट दे आर हैविंग द टैलेंट. तो वहाँ पर हमें इंडिविजुअली हर एम्प्लॉय के लिए डेवलपमेंट प्लान्स बनाने हैं, ताकि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए ले जा पाएँ. द नेक्स्ट इज मेंटेन स्किल्स इन्वेंट्री. अब यहाँ पर अगर हमें लग रहा है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनको हमने चूज़ किया है बट किसी रीज़न से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, उन्होंने कहीं और बेटर जगह स्विच कर लिया, तो वहाँ पर हमें एक बैकअप भी क्रिएट करना है एम्प्लॉयज़ का, जो कि और बेटर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी हमें टाइम टू टाइम ट्रेन करना है, ताकि हम उनको वो चांस दे पाएँ, उनको उस पोजिशन पर रिक्रूट कर पाएँ. तो देयरफॉर इफ़ वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन पार्ट, तो सक्सेशन प्लानिंग एक की स्ट्रैटेजिक इशू है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और ये एक टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो कि टाइम टू टाइम चलता रहता है, और दिस इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच विच इज़ फार मोर डिज़ायरेबल एंड यूज बाय मेनी कंपनीज नाउ अडेज. थैंक यू सो मच.